ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम वो खाने बैठ गए यहाँ पे। वहाँ पे कूस खा रहा है, यहाँ गुटू खा रहा है। राहुल भाई हम लोग को मेला घुमाएंगे, सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये यहाँ का भोग है, देख सकते हैं। विजय को बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है विजय। ओके गाइस, बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था कुछ ऐसा ब्लॉग देखने का। आप लोग सोचते हैं कि सुबह हिमाचल कंटेंट बेस्ट ब्लॉग नहीं बना रहा, तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ दिनों से बिजी था, बट अब आ चुका है कंटेंट बेस्ट ब्लॉग। जैसे आप लोग थंबनेल टाइटल में देख चुके हैं ऑलरेडी, आज हम लोग जानेंगे कि अपने बजाज नगर में जितने फेमस मंदिर हैं उन सब में खाना कहाँ कहाँ मिलता है, कब कब मिलता है और कैसे मिलता है। ये तो ऑब्वियस बात है कि खाना तो टेस्टी होगा, क्योंकि मंदिर का भोग प्रसाद है तो टेस्टी तो होगा ही। मैं खुद पर्सनली गया था खाने के लिए, वहाँ पे खाया और सब खाना फ्री है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, भक्ति भावना से आते हैं दर्शन करने, उन लोगों के लिए खाना फ्री है। मैं यहाँ पे वैशाली का फेमस सैंडी मंदिर को नहीं लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे टिकट लगता है, वहाँ पे फ्री फूड नहीं है। बट वहाँ पे गया था और खाया भी था और वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। बट सैडली मुझसे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो फ्री नहीं था। मैं वहाँ पे हर मंगलवार को मिलता है। बहुत से मंदिर को मैं अपनी लिस्ट हटाने के बाद मुझे सिर्फ दो जगह ऐसा लगा जहाँ पर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए। फर्स्ट गनगुरा। गनगुरा में बहुत से लोग आपको पता नहीं, गनगुरा एक छोटा सा जगह है, जो छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक मेला लगता है साल में एक बार, और वो मेला बहुत लोग नहीं जाते गए। इंडियन फेस्टिवल वो पूजा वसंत पंचमी के दिन होता है। छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी होता है, स्टेज बना होता है जहाँ पे फेमस समरपुरी सिंगर्स आते हैं, यहाँ पे गाना गाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं था, खुद को नहीं पता था। इससे आप लोग बताए छोटा मेला था, हर चीज छोटा में था, कम अमाउंट में, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत सजाया गया था। मुझे जाकर पता चला कि वहाँ के जो गाँव के लोग है वो लोग बहुत इंजॉय किए इस चीज को। फेस्टिवल जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत खुशी का एक एपिसोड है। और यहाँ पे किसी को पता नहीं है यहाँ पे मेला हो रहा है, बहुत छोटा सा हो रहा है। और जैसे भी हम लोग आपको दिखाएंगे, राहुल भाई है तो ये इनको पता था कि यहाँ पे मेला हो रहा है और ये हम लोग को इन्वाइट किए हैं और यही घुमाएंगे मेला। चलो, यात्रा है। ये है मंदिर देवी का और यहीं पे प्रोग्राम हो रहा है पूजा के साथ। पता है कि छोटा सा गांव है तो काफी लोग नहीं है यहाँ पे, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए आपको कैसा लगा? हम लोग का फोटो भी इंस्टाग्राम में आएगा तो देखना, तो नीचे में यूजर है मारा है। तो यहाँ पे स्टेज शो भी हो रहा है, प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा डांस प्रोग्राम सब हो रहा है। तो जाते हैं, देखते हैं कुछ प्रोग्राम, और प्रोग्राम भी आप लोगों को जरूर दिखाते हैं। 9:30 बजे और मैं यहाँ पे आया, अभी यहाँ के काम बहुत सारा है। अब बात करते हैं खाने का, ये ब्लॉग का खाने के लिए। वहाँ के लोग इतने प्यार से खाना बांट भी रहे थे, बहुत अच्छा लगा। लोग जा रहे हैं भरपेट खा रहे हैं, एक के बाद एक। मैं तो शायद 2 से 3 बार लिया खाया, बट विजय 5 बार से ऊपर लिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे भोग मिल रहा है, तो विजय में राहुल तीनों आया, भोग काटे, भोग खाते उसका एक्सप्लोर करेंगे। आपको स्टेज तो बाद में दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे पत्तल है और ये काफी बड़ा साइज में। ओके गाइस, तो ये यहाँ का भोग है, देख सकते हैं। इसमें भात है, दाल, टमाटर, खट्टा और तरकारी। विजय को बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है विजय? भोग तो टेस्टी होता ही है गाइस, भोग सच में बहुत ज्यादा टेस्टी। मैं खुद 2 बार लेके खाया और विजय तो 3-4 बार लेके गया। कितना विजय? 5 बार लेके खाया, इतना ज्यादा टेस्टी। मैं पेट भर गया इसीलिए मिस्टर, बट खाना बहुत अच्छा है। यहाँ से एंट्री है और वहाँ से एंड। देखते हैं अब आगे। बस ये प्रोग्राम को यहीं तक रखते हैं। ये था पहला जो मुझे ज्यादा टेस्टी लगा। सेकंड नंबर अपने बयास में फेमस 9 नंबर का साईं मंदिर। 26 जनवरी वाले दिन में मैं और कूस गए थे वहाँ पे, और गाइस वहाँ से पहुँचा ना, काफी ज्यादा मेरे जान पहचान के लोग मुझे मिले वहाँ पे। और यहाँ पे भी गाइस फ्री है पूरा। आगे बढ़ते हैं, फोटो शूट चल रहा है, भोग का तैयारी, सब लाइन लगे हुए हैं। उस साइड में भोग मिल रहा है, तो बस हम लोग ही भोग खाने आए हैं। इधर विकास भाई अपना जा रहे हैं अकेले अकेले। बिना तू बहुत यार, यहाँ पे लाइट कुछ इस तरह से लगा हुआ है। बुट्टू, कूस और मैं, लाला भी उस तरफ है। दिखाया ना भाई, बुटू है ना भाई। बस लाइन में चल रहे, वहाँ पे गए, लाइन लगे, खाना खाए। अरे यूट्यूबर जगह जगह लगता है भाई, लाला को लोग का जगह लेता है पूरा। ओके गाइस, तो लोग खाने बैठ गए यहाँ पे। चावल, सब्जी, तरकारी, टमाटर, खट्टा और ये सब, बस इतना भोग। वहाँ पे कूस खा रहा है,
यहाँ बूटू खा रहा है। लाला कहीं चले गया, वो खाते हैं, फिर आगे शूट करते हैं कुछ वीडियो। तो वहाँ पे मुझे एक बार बहुत अच्छा लगा, वीडियो वहाँ पे जो लोग खाते हैं खाना उसे जाके थाली को धोते हैं। बहुत टेस्टी था ना कुछ, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे सिस्टम ये है कि ऐसे खाना लो, थाली को खुद से धोना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं बूटू लेके जा रहे हैं, तो हम लोग भी थाली को खुद से धोए। यहाँ पे बहुत धोना है, रखना है। बाकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं। आप आके यहाँ पे खा सकते हैं और रख सकते हैं साईं बाबा के नाम पे। यहाँ पे ये और गुरुवार करते हैं, जरूर यहाँ पे देखो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मोटिवेशन मिलता है तो व्लॉग भी बनाने में मजा आता है, और टाइम भी बहुत हो चुका है। आज के एक बज रहे गाइस, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट साथ फिल्म नेक्स्ट जाते हैं। बाय एंड गुड नाइट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोने। भी है हाँ कौन है।